जी अज का विषय यह है जी, सरकार ने एक कोचिंग इंडस्ट्री लैके एक जी जारी की गाइडलाइन 16 साल का बच्चा कोचिंग नहीं ले सकता। साडा यही विरोध हैगा, क्यों 16 साल का बच्चा कोचिंग क्यों नहीं लै सकता? ये बच्चे की नैचुरल विश की जा रही है, राइट टू फ्रीडम वायलेट किया जा रहा है। कि सरकार ने पेरेंट्स या बच्चों तो पूछा सगा कि सरकार ने स्टेक होल्डर बह के गल की किदा होना चाहिए किदा नहीं। एक तुगलके फरमान सरकार ने जारी कर दिता कि 16 साल तो थल्ले वाला बच्चा कोचिंग ते नहीं जा सकता, जिदे करके बच्चों के माँ प्यो बहुत ज़्यादा हड़कंप मच गया कि असी एक्सट्रा चाहते हैं कि साडा बच्चा एक्सट्रा स्कूलों आके पढ़े, एक्सट्रा हैल्प लवे, वो क्यों नहीं लै सकता? इस विरोध में आप है एजुकेशन स्टेट सबजैक्ट है। मैं अपील करांगा पंजाब सरकार नूं, सीएम साहब नूं, कि माननीय सीएम साहब ये रूल्स नूं पंजाब दे विच लागू नहीं करना चाहिए। 16 साल के बच्चों नाल तो उन्हां पेरेंट्स का धक्का हो जा रहा है। देखो फिर गल उ आ गई जी, तुम समझो मेरी गल कि प्रैशर 16 साल तो उपर वाले बच्चे तो पैंता, जो प्लस वन प्लस टू च कोचिंग लैन आता है 16 साल तो थले वाले बच्चे तो नहीं पैंता। बंद किसी करती गई है 16 साल तो थले वाले की? सरकार का लॉजिक तो सरकार समझावे ना, सानू कहड़े लॉजिक नाल बंद की गई? 16 साल तो उपर वाला तो जा सकता है, ठीक है जी। बाकी साइकोलॉजिकली असं बच्चे क्लास स्ट्रोंग बनाने, ऑलरेडी आप पहला सारे प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, कोई इदा का प्रोसीजर जो नहीं फॉलो कर रहे। सरकार सानू विच लै के अपने कॉन्फिडेंस लै के काम करती तो ज़्यादा वधिया काम होना सी। असी हर बाकी गल नाल सहमत आ सरकार दी। मेरे हिसाब से मतलब ये मैं बिल्कुल भी इसके साथ जस्टिफाइड नहीं हूँ, क्योंकि जो भी एक 16 ईयर्स का बच्चा है उसको एक कोचिंग चाहिए होती है, क्योंकि जो स्कूल होता है ना वो रेगुलर सिलेबस के हिसाब से चलता है। बाकी जो कंपटीशन है ओलंपियड्स वगैरह वो तो वहाँ नहीं करवाते ना, तो कोचिंग मतलब हम चाहिए ही होगी, क्योंकि ओलंपियड्स को अगर हमने क्लियर करना है तो फिर हमें कोचिंग तो चाहिए ही है। 10th मतलब होगी इनफ वैसे तो, पर मोस्टली जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं वो कोचिंग लेना ही प्रेफर करते हैं। जैसे अगर 100 में से 95% बच्चे जो है ना वो कोचिंग ही लेंगे, बट जो 5% है वो ही सिर्फ क्लियर कर सकते हैं, पर मोस्टली बच्चों को कोचिंग ही लेनी पड़ेगी। पर्सनल लाइफ मतलब एक मिनट रुकना। हाँ जी सर, मेरा नाम दमन है। सर मैं 10th में, 16। सर ये जो फैसला है जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि हर एक मतलब स्टूडेंट नीड होंगी है कोचिंग की, क्योंकि तुम देख सकते हो करोना तो बाद वैसे बच्चों का बहुत बुरा हाल हो चुका है, कि जो नवे करिकुलम सरकार लिया रही है, MCQs हो गए, assertion reason हो गए, ठीक है। साढ़े पेरेंट्स भी एजुकेटेड है नो डाउट, बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो सिर्फ असी टीचर्स तो गाइडेंस ले सकते हैं, बट सानू स्कूल दे विच वो चीज़ सानू प्रॉपर नहीं मिल रही, क्योंकि हर टीचर को मैक्सिमम 35 मिनट्स होंगे, इस तो ज़्यादा होंगे नहीं, तो साडे डाउट्स विच रह जाते हैं। बट सानू क्लीयर करने लिए कोई चाहिए, जो कि साडे लिए कोचिंग टीचर्स जो बेस्ट ने, साडा हर एक डाउट क्लीयर कर दे। सर देखो सुसाइड जो गल करिए सुसाइड की, ठीक है, उन्होंने कोचिंग वाले तो कोई प्रेशर नहीं पा रहे, स्कूल कोई नहीं, बच्चे ने खुद का अपना हो रहा है कि अजकल कॉम्पीटिशन लैवल आप देख रहे कितना वध रहा। जैसे सर ने गल की थी कि नीडली 18 लाख बच्चा, 18 लाख इस टाइम बच्चा 21 लाख 22 लाख बच्चा दे रहा, बट सिलेक्ट किन हो रहा है सिर्फ 1 लाख बच्चा। उस चीज़ में आप देखिए कि कॉम्पीटिशन कितना चल रहा है, कॉम्पीटिशन के लैवल ना बच्चे के प्रैशर, कॉम्पीटिशन का प्रैशर आ रहा, टीचर्स या कोचिंग सेंटर उससे नहीं पा रहे, बच्चे ने खुद ही प्रेशर, बच्चा खुद ही ले रहा है कि स्टडी लेवल पर किदा आगे जाना, इस करके बच्चे ज्यादातर सुसाइड कर रहे हैं। हाँ जी सर, काफ़ी हद तक, क्योंकि कुछ कंसैप्ट साढ़े ऐसे होंगे कि जो बोर्ड के अकॉर्डिंग तो ठीक है स्कूल क्लीयर कर रहा है, बट जो सू कुछ एक्सट्रा ऑर्डनरी नॉलेज चाहिए है वो सू नहीं मिल रही, उस असी जो सू एटमोसफेयर अच्छा चाहिए होंगे, मैनर्स स्कूल भी सिखा रहे नो डाउट, बट जो असं इंट्रैक्शन वगैरह होंगी है टीचर्स ने असं कि गल करनी, सू परसनल एक गाइड परसनल एक फ्रेंड चाहिए होंगे, वो सू कोचिंग टीचर्स तो मिलता है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम प्रिंसी है, और सर मेरा जो आज का जो बेसिक टॉपिक आज चल रहा है जिसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सर जो हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है, प्रेजेंट जनरेशन में जो एरा चल रहा है उसमें जो कोचिंग्स हैं वो एक बहुत बेसिक रोल प्ले करती हैं, तो अगर कोचिंग सेंटर्स ना हो, जैसे अब स्कूल्स हैं हमारे, स्कूल में 6 आवर्स की स्टडी होती है, नो डाउट बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है वहाँ पे, बहुत टेंस माहौल भी होता है,
स्टडीज का भी बहुत प्रेशर होता है, बट कोचिंग सेंटर एक टाइप ऑफ रिलैक्समेंट भी हो सकता है, क्योंकि हम अपने हाउस होल्ड से बाहर निकल के अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम भी इंजॉय भी होता है, और स्टडीज के कई डाउट्स होते हैं, जैसे बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं, साइंस होता है, मैथ्स होता है, तो साइंस जैसे हम फॉर एग्जाम्पल लें सर, 10th स्टैंडर्ड में साइंस एक सब्जेक्ट होता है, बट 11th 12th में वो दो तीन सब्जेक्ट में डिवाइड हो जाता है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो अगर हमारे वो बायो केमिस्ट्री फिजिक्स के हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो बेसिक 10th की 9th की हमारी बायो क्लियर होनी चाहिए, तो इसी रिगार्डिंग कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर हमारे रेगुलर टेस्ट होते हैं, टेस्ट के साथ क्या होता है सर, जो हमारे एग्जाम्स होते हैं हमें उसका पैटर्न पता लगता है और उसका अटेम्प्टेशन टाइम पीरियड पता लगता है, घर पे कई बार वो एनवायरनमेंट नहीं होता जिससे हम वो परफॉर्म कर सकते हैं या डिसिप्लिन में रह के पढ़ सकते हैं, प्रॉपर 6 आवर्स की स्टडी एक स्टूडेंट को चाहिए होती है सेल्फ स्टडी के लिए, बट वो सेल्फ स्टडी कई बार डिसिप्लिन घर में कोई फंक्शन आ जाता है, कोई बार हमें कहीं जाना पड़ जाता है, पेरेंट्स का वो होता है कि हमारे साथ टाइम स्पेंड करो, तो वो माहौल घर में नहीं ऐसा बनता कि हम एक प्रॉपर टाइम दे पाए अपनी स्टडी को, तो उसके लिए कोचिंग बहुत एसेंशियल है हमारी लाइफ में आगे जाके अपनी लाइफ में कुछ बनने के लिए। जैसे अब हम फोकस करते हैं तो सर उसकी फाउंडेशन बनाने के लिए हमें पहले से स्टार्टिंग से उस पर एक कंसंट्रेशन एक होना चाहिए ना, एक एम गोल, तो वो एम गोल मेंटेन रखने के लिए स्टार्टिंग से 9th 8th से वो हमारे जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो जाता है, तो उसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कोचिंग्स बहुत मस्ट है, इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट गवर्नमेंट कि वो हमारी भी अपील सुने और इसको अलाउ करे कोचिंग सेंटर को, कोई एज बैरियर ना हो ताकि हमारे फाउंडेशन जो बेस है वो स्ट्रांग रह सके। थैंक यू। मेरा नाम अमृतपाल कौर है। अमृतपाल जी, सरकार का अपना फैसला आया है जो छोटे बच्चे पढ़ते होने, तो किस तरह देखते हो पूरी तरह इस फैसले को तुसी? वैसे तो मैं सरकार नु अप्रिशिएट कर दी कि उन्होंने बच्चे बारे बड़ा सोचा, बट मैं तुम्हारे थ्रू गवर्नमेंट नु एक मैसेज कन्वे करना चाहती हाँ कि इस तरीके नाल वो बच्चों का स्ट्रेस घटा नहीं रहा है, इनफैक्ट बच्चों की फ्रस्ट्रेशन नु बढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स की फ्रस्ट्रेशन नु बढ़ा रहे हैं, किस तरह, बिकॉज क्लासेस विच स्कूल विच बच्चे जाते, इट्स नॉट कि स्कूल विच कॉम्पिटिटिव टीचर्स नहीं है, पर एक एवरेज बच्चा जिहड़ा 40 मिनट्स का सैशन है जिस विच जिस क्लास की स्ट्रेंथ ही 40 to 45 है, हर बच्चा उस टीचर के लैक्चर को ग्रैस्प नहीं कर सकता, और जब बीइंग अ पेरेंट असं स्कूल के टीचर को अप्रोच करते हैं तो स्कूल की टीचर की ये मजबूरी सामने आती है कि मैम मैं सारी क्लास में देखना, मैं तुहाडे बच्चे को इंडिविजुअली अटेंशन नहीं दे सकती, एक टॉपिक नू मैं एक दिन क्लियर कर दाँगी, दो दिन कर करेंगी, तीसरे दिन मैम तुहानू खुद मेहनत करनी पैनी है, पर बीइंग अ टीचर अगर जो मेरे मैथ्स और साइंस के कंसैप्ट क्लियर नहीं है तो मैं अपने बच्चे की किस तरह हेल्प कर सकती हाँ, तो ये रेस्क्यू लिए सानू एक एक्स्ट्रा कोचिंग की जरूरत है, और यह जो कोचिंग सेंटर्स ने ये अज के टाइम की नीड है बच्चों की। मेरा बेटा अपनी बैडमिंटन क्लास भी जाता है, मेरा बेटा कोचिंग सेंटर भी जाता है, कोचिंग सेंटर भेजने का मतलब 5-5 घंटे सेशन नहीं है, 1 घंटे की क्लास मैथ्स की होती है, 1 घंटे की क्लास उसकी साइंस की होती है, 2 आवर्स बच्चा अपना स्टडी आवर्स अगर घर भी बच्चा पढ़े तो 2 घंटे की सिटिंग में मिनिमम एक 9th 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को एक्सपेक्ट करते हैं, जो वही 2 घंटे अपने कोचिंग सेंटर जाके वो चीज़ें क्लियर कर रहा है, वो बर्डन नहीं है सर।